नमस्कार दोस्तों, करियर अड्डा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं नाम धर्म और आप देख रहे हो मैं चैनल करियर अड्डा। जो फर्स्ट चैनल पे है चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को प्रॉपर वे में मिलती रहे। आज की वीडियो में हम एक वैकेंसी के बारे में बताने जा रहे हैं जो आप लोगों को बहुत यूजफुल है। यूपीपीसीएल की वैकेंसी जिसका इंतजार बहुत सारे डिप्लोमा होल्डर्स को था। बहुत लंबे टाइम से वैकेंसी आ नहीं रही थी, तो काफी लंबे टाइम बाद यूपीपीसीएल की वैकेंसी आई और वो वैकेंसी उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की वैकेंसी जो होती है ये बहुत सारे डिप्लोमा होल्डर्स को मतलब फेवरेट जॉब में होती है। तो चलिए बताते हैं कि क्या वैकेंसी निकली है। और बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि वैकेंसी की पूरी डिटेल मैं आपको पीडीएफ फाइल जो है वो भी प्रोवाइड कर दे रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो। और उसके बाद वैकेंसी में बता दूं कि 296 वैकेंसी निकली हुई है यूपीपीसीएल में। 296 वैकेंसी जो निकली हुई है वो कहीं ना कहीं थोड़ी कम वैकेंसी है, मैं मानता हूं 1000, 1500 या 500 इतनी वैकेंसी एटलीस्ट होनी चाहिए थी, लेकिन चलो 296 वैकेंसी एटलीस्ट गवर्नमेंट ने निकाला, बड़ी बात है। उसके अलावा जो क्वालिफिकेशन है इसमें यूपीपीसीएल में जो क्वालिफिकेशन है वो डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल में, 3 इयर्स इलेक्ट्रिकल के डिप्लोमा की डिग्री आपको होनी चाहिए। उसके अलावा जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अलावा आप देख सकते हो कि जो उसमें फॉर्म है, फॉर्म की डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज है जैसे एससी एसटी और ओबीसी जनरल। तो एससी एसटी के लिए 700 है, जनरल के लिए 1000 है, ओबीसी के लिए 1000 है। उसके बाद जो नॉन मतलब हैंडीकैप्ड है उनके लिए 10-15 रुपीज का फॉर्म आ रहा है, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो वैकेंसीज निकली हैं वो बहुत बड़े लेवल की वैकेंसी हैं। जो लोग अभी तक अप्लाई नहीं किए हैं वो लोग अप्लाई तब करेंगे जब मैं बताऊंगा डेट। देखो अप्लाई करने की जो डेट है वो है 23 सितंबर। अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये बता दी गई कितनी वैकेंसी है और इतने तारीख से 23 सितंबर से स्टार्ट होगा और 16 तारीख तक, 16 अक्टूबर तक लास्ट डेट है। समझ लो 10 तक लास्ट डेट आप खत्म कर लो, उसका 16 तारीख तक दिया गया है कि सब कुछ प्रोसीजर कंप्लीट कर लिया जाएगा अक्टूबर में। तो ये एक बड़ी वैकेंसी है और जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो है रिटन है, रिटन के बाद इंटरव्यू है, उसका ट्रेनिंग होती है। और यूपीपीसीएल की जॉब कई, देखो एक ऑफिस जॉब होती है जो प्लांट जॉब होती है, एक ट्रांसमिशन जॉब होती है जो फील्ड वर्क होती है, जो मीटर्स होते हैं, अदर थिंग्स होते हैं इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, उसमें यूज होता है। तो ये जो जॉब है वो फील्ड से रिलेटेड जॉब है और जो लोग इंटरेस्टेड है वो जरूर अप्लाई करें, गवर्नमेंट जॉब है। और सिलेक्शन प्रोसीजर मैंने आपको बता भी दिया है कि सिलेक्शन प्रोसीजर जो इसमें है वो है रिटन प्लस इंटरव्यू है। तो पहले आपको रिटन क्रैक करना पड़ेगा, रिटन के बाद ही आपको आगे का प्रोसीजर जो भी है उसमें फॉलोअप करना पड़ेगा। तो जो लोग अगर इस वैकेंसी से अवेलेबल नहीं है वो खुश हो जाए और तैयारी पे लग जाओ। देखो तैयारी करने के लिए मैंने हमेशा बताया, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए आपको डेडिकेशन की जरूरत होती है। यूपीपीसीएल जैसे एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए आपको डेडिकेशन और शार्प माइंडेड चाहिए, क्योंकि शार्प माइंडेड जो सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन जो भी होते हैं हम पढ़ते, सब्जेक्टिव हमें अप्रोच ऑब्जेक्टिव करना होता है, तो वहां ऑब्जेक्टिव अप्रोच के लिए हमारा सब्जेक्टिव बहुत स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। उसके बाद करंट अफेयर्स है, जीके है, तो ये सारी चीजें बहुत आपको मतलब रीजनिंग है, ये सारी चीजों पे कमांड करना पड़ेगा, कमांड के लिए प्रैक्टिस की जरूरत होगी, प्रैक्टिस के लिए आपको अपने आपको टाइम देना पड़ेगा। तो ये टाइम जब आप दोगे अपने आपको ना तो बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर कर पाओगे। तो अगर आप लोग जो लोग इंटरेस्टेड हो वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन मैंने दे दिया, आप लोग वहां पे जाके देख सकते हो प्रॉपर वे में। यूपीपीसीएल की पूरी वैकेंसी की डिटेल है, पूरा नोटिफिकेशन है। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वीडियो को जितना से जितना आप शेयर करोगे बेस्ट होगा। थैंक यू, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।